नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धनुषाक विदेह नगर पालिका में ट्रैक्टर दुर्घटना, दो गोटे की मृत्यु, 18 घायल। धनुषा में नेपाली कांग्रेसक किस वार्ड अधिवेशन में विवाद, धांधली भेल कहत नेता सब रिले अनशन पर। सिरहा धनुषा जोड़ वाला कमला नदी में स्नान आ भूत मेलाक तैयारी, भक्तजन एबाक क्रम तीव्र। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 6 कोरोना संक्रमित के जान गेल और 299 गोटे में संक्रमण। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग के नया संस्करण शुक्र दिन से शुरू हैत। विस्तार से धनुषा के विदेह नगर पालिका में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से 2 गोटे के जान गेल, अन्य 18 घायल भेल। कमला नदी में कार्तिक स्नान कर जा रहल तीर्थयात्री सवार ट्रैक्टर विदेह नगर पालिका वार्ड 7 में पलट कर दुर्घटना भेल। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता DSP जितेंद्र बस्नेत जानकारी देलन। जान गुमौने में भारत सीतामढ़ी के अंबिका देवी आ रामदयाल यादव रहल। उनका सबके उपचार के लिए प्रादेशिक अस्पताल लौ जात काल जान गेल प्रहरी के कहब दुर्घटना में घायल भेल सबके उपचार के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम आनल गेल। घायल में से बहुत के अवस्था गंभीर रहल। ट्रैक्टर में सवार में से 4 गोटे बाहक सब कोनो ने कोनो रूप से घायल यात्रु रहल बताओल गेल। ड्राइवर का सीट ना रही है तो ये अथी बैठे वाला ना रही है, वो तो 4 आदमी बैठल थी अगारी अगारी, हाँ वही पर बैठल थी। जा रहे हम उतरी उतरी तो हमसे हिम्मत ना काम कब कब ये उतर हमसे बल झड़े लग गए हमें। तब गाड़ी वहाँ रुकली, जाके खड्डा में जाके गाड़ी रुकली, वो गाड़ी एक क्रॉस हो गई। तब हमू कूद के भाग लिए हमू कूद के भाग लिए तो हमारा 4 आदमी जो किसी ना भेल एगो ड्राइवर के एगो हमरा एगो वार्ड साहब के तक जमा आदमी कम से कम 30-35 आदमी सब इंडिया के। कमला नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लागे वाला भूत मेला में सहभागी होवा आयल भारतीय तीर्थयात्री दुर्घटना में पड़ल। सुनसरी के इटहरी आ धरान के बीच में पड़े वाला सेवती खोला में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से सशस्त्र प्रहरी के नायब निरीक्षक के जान गेल। जान गुमनिहार में दूधकोसी गांव पालिका एक घर भ के मोरंग के डंगा स्थित सशस्त्र प्रहरी बेस कैंप में कार्यरत सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक संतोष बस्नेत रहल। दक्षिण तरफ जा रहल को एक पर 2438 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भ के दुर्घटनाग्रस्त भेल छल। गंभीर घायल भेल बस्नेत के उपचार के क्रम में धरान स्थित बीपी कोराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में जान गेल छल। धनुषा में नेपाली कांग्रेसक किछ वार्ड अधिवेशन में विवादित होवय शुरू भेल। धांधली पूर्ण तरीका से किछ वार्ड अधिवेशन सब में कार्य समिति चयन कयल गेल कहत विवाद बढ़त आयल। एहि क्रम में धनुषा के औरही गाँव पालिका वार्ड 1 में सेहो अधिवेशन धांधली पूर्ण तरीका से कयल गेल कहत असंतुष्ट पक्ष आंदोलन शुरू कलक। असंतुष्ट नेता तथा कार्यकर्ता सब बृहस्पति दिन से जिला पार्टी कार्यालय में रिले अनशन शुरू कलक। जगदीश चौधरी, दिनेश यादव लगायत के नेता सब रिले अनशन में रहल। इसमें से नेता सब रामकृष्ण यादव के व्हिप में असेश्वर यादव, ब्रह्मदेव यादव लगायत निर्वाचन अधिकृत के बंधक बना कर मनमानी निर्णय केने आरोप लगौलक। साथी सबके समेट कर जैसे वो बूथ प्रतिनिधि लाइब दी, कार्य समिति बना दी, से एक मैनेट दिल्क समिति सब जाके जाकर सहमति के लागे बैठल। लेकिन उस सब अहाँ के जो कुछ उग्र रूप है जगह नाम छे अहाँ असेश्वर यादव, वो अपना के जैसे वड़ा सभापति है आ अखन वार्ड अध्यक्ष सेहो है, वो अपने के विभिन्न बहाना सब कल के मैक्सिमम साथी के जना दिनेश यादव जी छथि जिला सदस्य भेल छथि, हम अहाँ के जगदीश चौधरी नेवी संघ से राजनीति क के अखन अहाँ के तरुण दल में करी छली, अब अखन पार्टी में आबे चाहे छी। तो वहीठान अहाँ के जे अपना के नेता बुझे छै आदरणीय रामकृष्ण यादव जी, वहाँ एक व्हिप जारी क के जे एहन नेता सब जे वही वंचित भ जाए, वही निषेध भ जाए, जे काल्हि सब नेता नहीं बनि सके तेहन रूप से अहाँ के उस निर्वाचन अधिकृत के जैसे बल जबरदस्ती
अहाँके एकटा घर में ल जाकर बंधक बना के अहाँके एकटा उसब निर्णय कलक ओसब धांधली क के अधिवेशन कैल गेल कहे तत्काल खारिज कर के मांग कलक अपना सब न्याय नहीं पौला पर आंदोलन के थप कार्यक्रम सार्वजनिक करब चेतावनी दिलक यादव और गांव के जो गांव पालिका अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव है वही के वो जबरदस्ती मतदान अधिकृत के अपना कब्जा में लक और लिखा पढ़ा लेल के प्रमाण पत्र बांट लेल के हमरा सब के कोनो ओमे कोनो जगह नहीं रखल के हमरा सब के नहीं सलाह सब कल के जबरदस्ती कल के ते के विरोध में जाले तक ला पार्टी से निशाफ नहीं भेटते ताले तक ला हमरा सब के इरिवेंशन जारी नहीं रहते और दू दिन देखे छे दू दिन तक ला रिवेंशन रहते तकर बाद में जब हमरा सब के नहीं जब ठाक चुनाव करवाते तो हम सब अन्य कार्यक्रम से हो विरोध के कर शुक्र दिन सेहो रिले अनशन जारी रखबाक सब जानकारी दिलक नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन अंतर्गत धनुषा के औरही गांवपालिका वार्ड एक में कार्तिक 28 गते अधिवेशन भेल छल तहिना धनुषा के मुखियापट्टी मुसरनिया गांवपालिका वार्ड 5 आ 6 के अधिवेशन के विषय में सेहो विवाद भेल अछि ई दुनू वार्ड में धानलीपूर्ण तरीका से अधिवेशन कयल गेल कहैत असंतुष्ट पक्ष आक्रोश व्यक्त कयलक अछि नेपाली कांग्रेसक नेता तथा प्रदेश 2 में भौतिक पूर्वाधार मंत्री राम सरोज यादव धांधली करैत चुनाव करौने नेता तथा कार्यकर्ता के आरोप अछि ओ सब मंगसीर 1 गते चुनाव के क्रम में प्रतिकूल अवस्था सृजना भेला बाद अधिवेशन स्थगित कयल गेल में नुका चोरा कर जनकपुर धाम में प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल आरोप लगौलक शिवनंदन राय शिवेंद्र यादव शंभू प्रसाद साह सूचना कलखिन की कलखिन 2078 साल 8 महीना 1 गते यश मुखियापट्टी मुसरनिया गांव पालिका वार्ड नंबर 5 र 6 को नेपाली कांग्रेस को 14 अधिवेशन 78 को मतदान अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ़ाने क्रम में प्रतिकूल अवस्था भएकोले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म को लागि मतदान को संपूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरिएको बिहोरा संबंधित सबैमा यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ तर आई सब की कलखिन यही मास्टर ई जनकपुर में आके एहि वार्ड में नहीं अधिवेशन बोला के अयन प्रमाण पत्र वितरण कह दिलकिए तै के हम सब घोर भर्सना करैत घोर विरोध करैत हम सब निर्वाचन अधिकृत के जिला अधिकृत के निवेदन दिलिए कि अय के हमरा सब के छानबीन क के ओ सब अधिवेशन बदर कर के मांग केलक अछि नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन समय में करबाक दावी केलो पर प्रदेश 2 के स्थानीय स्तर के किछ अधिवेशन विवादित बनैत आबि रहल अछि प्रदेश 2 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव खाद्य पदार्थ के उत्पादन बढ़ेबाक बतौलन जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन भेल खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता एन नियमावली कार्यान्वयन संबंधी अभिमुखीकरण तथा परामर्श गोष्ठी में राज्य मंत्री यादव खाद्य उत्पादन घटित गेल कहत उत्पादन में जोर बतौलन क्यों भूखले नहीं रह जका सवाल में प्रदेश 2 सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन खाद्य सुरक्षा खाद खाद अधिकार खाद संप्रभुता के सवाल तो संपूर्ण नागरिक ले चाहिए क्यों धनी हो या गरीब हो धनी संग कैपिटल है खादी भेन भी कैपिटल को प्रयोग कहाँ हो गरीब संग कैपिटल छेन खादी उपलब्धता भेन भी कहाँ पुग्ने संग सब स्थिति में सवाल तो यह उत्पादन संग जोड़ प्रोडक्टिविटी संग जोड़ रिनातुन प्रोडक्टिविटी राज्य मंत्री यादव 3-4 महीना में सचिव सब परिवर्तन भ रहल व्यवहार के कारण खाद्य अधिकार संबंधी आवश्यक एन तथा कानून सब बनाव नहीं सकल बतौलन यद्यपि दूध संबंधी एन आब चुकल में सहकारी संबंधी विधेयक पारित होब के क्रम में रहल से हो ओ जानकारी दिलन मात्र हाम्रो मन्त्रालय मार्फतमा एक वर्ष र लामो समयसम्म सचिवले काम गर्न पाएको र त्यसपछि अहिलेको वर्तमान डाक्टर नम्रता सिन्धिया आउनुभएको पछिल्लो कालखण्डमा त 12-23 हुन्छ र 3 वर्षको कालखण्डमा हामीले
सरदर 3 महीना 4 महीना को दौर में एउटा सचिवलाई हामीले पाएका थियौं। सरदर 3 महीनादेखि लिएर 4 महीना को दौर में प्रत्येक चार महीने 3 मिनट पछि सचिव परिवर्तन हुन्थ्यो। यो एउटा हालात हो, यो एउटा परिस्थिति प्रादेशिक संरचनाका छन्। संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय, प्रदेश दू भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय आ विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त रूप केने कार्यक्रम में विज्ञ सब खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता आवश्यक एन तथा कानून में रखबाक विषय सब के विषय में सलाह सुझाव देने छल। शुक्र दिन धनुषा सिरहा जोड़े वाला ऐतिहासिक कमला नदी में लागे वाला भूत मेला के तैयारी तीव्र भेल। धामी झांकरी सहित भक्ता भक्त के भीड़ कार्तिक पूर्णिमा के दिन कमला नदी में रहते हैं। अ दिन कमला नदी में स्नान के बाद विशेष कहल जाय वाला कमला स्नान करे वाला के भीड़ लगते हैं। कमला के विभिन्न घाट सब जगह सवैला नगर पालिका में पड़े वाला ऐतिहासिक सीता घाट में से हो तैयारी भ रहल है। स्थानीय साधु वीर बाबा के अनुसार दशकों से सीता घाट में श्रद्धालु तथा दर्शनार्थी के भीड़ लगे बतौलने। पहले तो कम कम थे लेकिन आप बहुत भाव भगले वैसे बहुत दूर के दात्री से एठाम आवे छे दसो जिला के दात्री एठाम आवे छे सीता घाट में स्नान करी अपना मन कमला बाबा के मंदिर के एठाम में आयल छे जे मन में रोपैया। अई घाट में स्वयं भगवान सीताराम समेत आबिक स्नान केला से सीता घाट मानल गेल साधु सब बतौलने। सीता घाट अवस्थित तत्कालीन रघुनाथपुर गाम के नाम समेत भगवान सीतारामे के आगमन के कारण रघुनाथपुर राखल गेल। अई के साथे कमला के धनुषा तरफ के राम घाट, मुरीबा घाट, चिकना भुकराहा, इनरवा सहित के विभिन्न घाट के साथे सिरहा तरफ के समेत विभिन्न घाट सब करित शुक्र दिन लाखों उपस्थिति कमला नदी में हाथ। धामी झांकरी भक्ता आ भगत सब आइए कमला नदी पहुँच कर राति में विश्राम करत, कतेको भोरे भक्ता खेलत, भक्तई गबैत नदी पहुँचत। कमला नदी के संरक्षण संवर्धन के लिए विगत 3 वर्ष से जारी कमला बचाओ अभियान अपन 3rd वार्षिकोत्सव मनौलक। समुद्घाटन तथा अंतरक्रिया तथा सम्मान तथा समापन करत 2 चरण में आयोजित 3rd वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में वक्ता सब कमला बचेबाक अभियान एक नदी के लिए मात्र नहीं भ धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के धरोहर साथे स्थानीय के जीवन आ समाज समेत बचाव भेला से राज्य के ठोस नीति समेत एनाई आवश्यक रहल बतौलक। पहिल कार्यक्रम समुद्घाटन तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष दुर्गेश मान सिंह कमला बचाव अभियानी सब शुरू केने पहल आ सक्रियता के राज्य सम्मान करैत आयल आ अपन समेत स्वामित्व जोड़बाक बतौलने। सम्मान तथा समापन कार्यक्रम में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मंत्री बोध माया यादव कमला बचाव नेपाल आ भारत दुनू देश के सरकार बीच साझा अवधारणा आ नीति आवश्यक रहल बतौलक। कार्यक्रम में धनुषा सिरहा जिला के सीडीओ द्वे क्रमशः बंधु प्रसाद बास्तोला आ प्रदीप राज कड़ेल, घनिष्मान चारनाथ नगर पालिका के कार्यवाहक मेयर मीना यादव, शहीद नगर पालिका के मेयर उदय यादव बरवरिया, सिरहा के मेयर अशेश्वर यादव, पानी सदुपयोग फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक चिरंजीवी भट्टराय,
भारत हिम पीपल तुलसी अभियानी डॉक्टर धर्मेंद्र कुंवर, नमामि गंगे मेरठ उत्तर प्रदेश के डॉक्टर विजय पंडित लगायत के उपस्थिति छल। जनकपुर धाम में श्री रामचरित मानस नवाह पाठ महोत्सव जारी है। श्री सिंगार कुंज कथमिनिया कुट्टी श्री रामचरित मानस नवाह पाठ महोत्सव आ 66वां चतुर्मास वार्षिकोत्सव समारोह आयोजन कैलक। महोत्सव अंतर्गत कार्तिक 29 गते से शुरू भेल रामचरित मानस नवाह परायण मंगसिर 7 गते धरि चलत। तहिना मंगसिर 10 से 18 गते धरि सीताराम नाम अखंड कीर्तन अष्टजाम कैल जायत। ई कुट्टी में विक्रम संवत 2011 साले से अखंड दीप प्रज्वलन भ रहल अछि। चतुर्मासा केला के बाद में अपने के जो यज्ञ होइ छै ई रामचरित मानस के यज्ञ होइ छै और यही यज्ञ के ई समाज के और ई जन कल्याण के लिए ई यज्ञ अहाँ के सदियों से चली आयल छै। हमर जन्म के से पहले से ई यज्ञ के निर्माण कैल गेले जे कि धार्मिक धरोहर रहि गेले। जानकी मंदिर के बाद यह मंदिर में अखंड दीप चल रहा है आइ 67-68 वर्ष भ गेले। महंत पहले रहलखिन हँ रामस्वरूप और रामशरण बाबा जी, दुनू आदमी मिल के एकर के निरंतर देलके है। ओकरे कार्यक्रम के अगाड़ी बढ़बैत बाबा सूरज जी हब अ कार्यक्रम के वो अगाड़ी बढ़बैत ल जा रहा हब। और कुटी में विश्व कल्याणार्थ अखंड दीप प्रज्वलित कैल जा रहा है। बार एसोसिएशन बार के आंदोलन में भेल आक्रमण आ आगामी कार्यक्रम सब में अनुगमन कर मानव अधिकार संबंधी संघ संस्था के आह्वान कल बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करे सर्वोच्च अदालत परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के क्रम में अदालत के युद्ध मैदान जेहन बनाओल गेल बतबैत बार मानव अधिकार संबंधी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था के आक्रमण के अनुसंधान आ आगामी कार्यक्रम के अनुगमन कर आह्वान कल। बार शुक्र दिन से अदालत परिसर से प्रहरी हटाब गृह मंत्रालय आ सर्वोच्च अदालत प्रशासन के ध्यान आकर्षण सेहो करौलक अछि। बार कोनो भी कानून व्यवसाय ऊपर आक्रमण तथा असुरक्षा के अवस्था उत्पन्न भेला पर ओहि के संपूर्ण जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश अदालत प्रशासन आ गृह प्रशासन के लेब के बतौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में बजट नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ अदालत भीतर प्रधान न्यायाधीश व न्याय प्रशासन के प्रमुख के निर्देशन में बाहेक प्रहरी प्रवेश कर नहीं पेबाक कहत अय के जवाबदेहिता प्रधान न्यायाधीश से लेल जेबाक बतौलन। अदालत में प्रहरी अयला पर न्यायपालिका के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के प्रतिकूल होत विश्व में नेपाल के बेइज्जती हाथ बतौलन अछि। तर बन्नुको उसबाट चाहिँ हामीले लाठीले हिर्काउने कामहरु गरे, लाठीले हिर्काए, मलाई लाठीले हिर्काएको थियो। त्यो हिर्काएकोमा मेरो पछाडि बस्ने प्रकाश महर्जन मलाई प्रोटेक्ट गरिराख्नु भएको थियो, अध्यक्षलाई प्रोटेक्सन हामी गर्छौँ भनिराख्नु भएको थियो, उहाँको टाउकोमा लाग्यो। यसरी हो के यसरी गर्नको लागि अदालतभित्र यस किसिमको दङ्गा प्रहरीहरू यसएलआर हतियार भएका प्रहरीहरूलाई चाहिँ न्यायपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने काम प्रधान न्यायाधीश र न्याय प्रशासन न्याय प्रशासनको प्रमुखले बाहेक त्यो ल्याउने काम चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाहरले किन ल्यायो? हिजोको जस्तै भ्रष्टाचार गराउनको लागि, गर्नको लागि, बिचौलिया पाल्नको लागि, विसङ्गति र विकृति कायम राख्नको लागि, त्यसका पक्षधरहरूको पोषणको लागि, जो जो पक्षधरहरू छन् उनीहरूको पोषणको लागि प्रयासहरू भइराखेका छन्। त्यो चिजलाई चाहिँ झाँगिन दिनको लागि यो काम भइराखेको छ। हामीले भन्यो, आज भनिराखेको तपाईँहरू मार्फत हामीले आह्वान गरेका छौँ, यो भोलिबाट चाहिँ आजैबाट त्यो त्यस किसिमको दङ्गा प्रहरीहरू अदालत प्रवेश निषेध गरियोस्, त्यसको जवाबदेही पनि प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्दछ। अध्यक्ष श्रेष्ठ अदालत में गोला प्रथा लागू भेला पर प्रधान न्यायाधीश अपना खुशी बेंच तोका आ फैसला कर नहीं पा धर किछ हद धरि विकृति रोकल गेलो पर प्रधान न्यायाधीश गोला लेब नहीं पेबाक अपन सबक मांग रहल स्पष्ट कलन। गोला प्रणाली में जाने वहाँ को योटा वहाँ को संलग्नता वहाँ तोकेको इजलास में जानु भनेको उहाँले तोकेको इजलासमा उहाँसँग बसेर सेयरिङ बेन्च सेयरिङ गर्नु भनेको बिचौलियाको नायकको रूपमा रहेको प्रधान न्यायाधीशसँग बस्नु भनेको अरू न्यायाधीश पनि दूषित हुनु हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजमा उहाँहरू चाहिँ एकमतमा हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामी उहाँ बाहेकको अरू न्यायाधीशहरूले गोला लिएर हामी बार एसोसिएसन कायल फेरो भोर 10 बजे सर्वोच्च अदालतके विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्बाक जानकारी दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बेंच शेयर केला पर अपना सब बेंच बहिष्कार करवाक पतौलने। बृहस्पति नेपाल बार एसोसिएशन के सर्वोच्च अदालत में धरना बाद बार एसोसिएशन के भवन परिसर में कानून व्यवसायी सबके संबोधन करते वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य गोला प्रथा के नाम में प्रधान न्यायाधीश बेंच में बैसला पर बार एसोसिएशन के आपत्ति रहत बतौलन। वो प्रधान न्यायाधीश संघ न्यायाधीश बेंच शेयर केला पर बार बेंच बहिष्कार करत स्पष्ट कलन। वो प्रधान न्यायाधीश के वैधता देव के काज में अपना सब नहीं शामिल है बतौलन। प्रदान दिन प्रदान करने कुनै पनि कदम प्रति हाम्रो सहमति समझदारी र हाम्रो स्वीकार्यता हुँदैन। हामी चाहिँ के छ भने हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ। हामी त्यो गोला प्रथाबाट गोला गोली अटोमेसनबाट जानुपर्छ। अटोमेसन नभएसम्म गोला प्रथाबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पनि माग हो। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण माग हो। त्यस प्रक्रियामा जाने कुरामा हामीलाई केही पनि भन्नु छैन। तर त्यो गोला प्रथाबाट यदि प्रधान न्यायाधीशले गोला लिने र उहाँले बेन्चमा बस्ने कार्य भयो भनेदेखि त्यसको हाम्रो घोर आपत्ति हुन्छ। र जुन न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशसँग बेन्च हो प्रधान न्यायाधीशके डुबैत रौदके संज्ञा देलन। तहिना कार्यक्रममे बजैत वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल प्रधान न्यायाधीशके सम्मानजनक बहिर्गमनके मतलब राजीनामा रहल उल्लेख कयलनि। प्रधान न्यायाधीश बहिर्गमन के रास्ता नहीं लेला पर सर्वोच्च अदालत प्रवेश करवला वैकल्पिक रास्ता से हो बंद करब चेतावनी दलन। सर्वोच्च अदालत परिसर में प्रहरी आइन का कानून व्यवसायी के ऊपर बर्बरतापूर्ण आक्रमण करौने कहित प्रहरी के आक्रमण तत्काल बंद कर गृह मंत्री के आग्रह उहाँहरूको ध्यान आकर्षणमा गराउन चाहन्छु। एउटा विनाशकाले विपरीती बुद्धि भन्छ संस्कृतमा, तर उहाँको विनाशकाल आइरहेछ। त्यो विनाशकाल आइसकेपछि यस्तै यस्तै विपरीत बुद्धि हुन्छ। विपरीत बुद्धि के हो त भन्दा अदालत जस्तो प्राङ्गणमा न्याय मन्दिरको प्राङ्गणमा जसरी भाषा प्रहरीलाई निम्ताउनु भयो, दङ्गा प्रहरीको प्रवेश गराएर गृह प्रशासनसँग मिनुमत गरेर जसरी गऱ्यो, यो ठुलो भाषामा भर्सना एउटै कुरा छ। त्यसले गर्दा म साथीहरूसँग चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा यो गृह प्रशासनले जुन किसिमको काम गरिरहेको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल कानून व्यवसायी उपर भेल आक्रमण मानव अधिकार आ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनके सेहो विषय भेल बतबैत एहि विषयके अन्तर्राष्ट्रिय निकायमे लऽ जेबाक चेतावनी देलनि। यहाँ आएर माफी माग्छन् भने विचार गर्न सकिएला, होइन भने यसलाई हामीले जारी दरखास्त हाल्छौँ। यहाँ दर्ता भएन, यहाँ अनुसन्धान भएन, यहाँ कारवाही गरेन भने पनि मानव अधिकार आयोगले हेरेन भने पनि मानव अधिकार आयोग त यिनै मतियार यी चोलेन्द्रकै मतियारहरूले चाहिँ अहिले उघटेका छन्। यदि त्यसले अनुसन्धान गरेन, छानबिन गरेन भने पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा लान्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लान्छौँ। धरनाके क्रममे प्रहरी बल प्रयोग केला पर नेपाल बार एसोसिएसन के अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित अधिवक्ता सब प्रकाश महर्जन, कपिल पोखरेल, निके श्रेष्ठ, युवराज बंजाड़े, रोमन कर्ण, ऋषिराज घिमिरे, गोपाल बास्कोटा लगायत घायल भेल अछि। पूर्व परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली महिला के आर्थिक स्वतंत्रता संग जोड़ित आत्मनिर्भर नहीं बनाब धरि महिला सहभागिता कॉस्मेटिक सहभागिता मात्र सीमित हैत बतौलन। राजनीतिक दल सब नया नेतृत्व चयन के लेल आसन्न महाधिवेशन में केन्द्रित भ रहल समय नेकपा एमाले के सचिव गेवाली महिला सहभागिता के अर्थपूर्ण बनाब महिला स्वयं के आर्थिक आत्मनिर्भर बनाब आवश्यक रहल बतौलन। राजनीतिक दल के पदाधिकारी आ निर्णायक तह में महिला सहभागिता के विषय में संचारिका समूह बृहस्पति दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में ओ संविधान आ राजनीतिक दल संबंधी एन में कैल गेल व्यवस्था के कार्यान्वयन करैत महिला सहभागिता के बात केनाई आ असल में व्यवहार में नहीं उतारनाय कॉस्मेटिक सहभागिता मात्र हैत बतौलन। उत्पादन संग जोड़ने अर्थात मार्क्सवादी भाषा में भन्दा उनीहरूलाई आर्थिक हिसाबले पनि मुक्ति दिने, आर्थिक स्वतन्त्रता दिने त्यो प्रश्नसँग जोडेनौँ भने नि यो चाहिँ फेरि पनि सहभागिता चाहिँ कस्मेटिक हुने खतरा हुन्छ। त्यसबाट कस्मेटिक होइन, फर्मल होइन कि त्यसलाई सब्सट्यान्टिभ एउटा चाहिँ सारवान सारभूत खालको चाहिँ एउटा सहभागितामा हामीले जोड दिनुपर्छ। नेकपा एमाले यसरी नै सोचिरहेको छ त्यो र आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने प्रश्नसँग जोडेर बहस गरेनौँ भने पदाधिकारीमा संख्या थपिएला। कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे राजनीतिक मूल्य मान्यतासँग स्खलित होइत गेलासँग महिला सब राजनीतिक दलके निर्णायक तहमे अयबाक विषय चुनौतीपूर्ण बनित जा रहल बतौलन। आकारको बनाउने हो भन्दा यो कामकाजी बनाउनु पर्छ, कामकाजी बनाउनलाई सानो बनाउनु पर्छ, सानो बनाउने सानै ठाउँमा अनि महिलाको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यो संख्या थपेर चाहिँ उपसभापति महामन्त्री थपेर चाहिँ यो चाहिँ समाधान हो भन्ने लाग्दैन मलाई। मैले देखेको समस्या चाहिँ यो राजनीति मूल्य मान्यताबाट स्खलित हुन लाग्यो। राजनीति मूल्य मान्यताबाट स्खलित हुन लागेपछि महिला सहभागिता चाहिँ अझ चुनौती, यसमाथि चुनौती, महिलाहरू चाहिँ निर्णायक ठाउँमा आउने कुरामा अझ चुनौती छ। किनभने क्रसर कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगकै पूर्व सदस्य यशोदा तिमल सिन्हा कानून अनुसार बाध्यकारी व्यवस्था बाहेक पदाधिकारी तहमै महिला सहभागिता बढावतर्फ नेता सबके ध्यान आकर्षित। पछिल्ला 24 घण्टामै देशभर थप 6 कोरोना संक्रमितके जान गेलै। एहि सँगै नेपालमै कोरोनासँ जान गुमावलाके संख्या 11,482 पहुँचलै। देशभर थप 299 गोटेमे कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयके अनुसार 7,863 पीसीआर परीक्षणमे 272 आ 3,288 एन्टिजेन परीक्षणमे 27 संक्रमण पुष्टि भेलै। तहिना पछिल्ला 24 घण्टामे 260 गोटे संक्रमण मुक्त भेलै। नेपालमे एखन 7,642 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन 799,176 ठीक भऽ चुकल अछि। तहिना प्रदेश 2 मे पछिल्ला 24 घण्टामे 5 गोटेमे कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्याङ्क अनुसार धनुषामे 2, महोत्तरीमे 2 आ सप्तरीमे 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि सङ्गे प्रदेश 2 मे कोरोनाके कुल संक्रमित संख्या 38,519 पहुँचल अछि। प्रदेश 2 मे कोरोनासँ जान गुमावलाके संख्या 1,039 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 मे एखन धरि 37,409 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 मे एखन 71 सक्रिय संक्रमित अछि। तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा आ अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू शिक्षण अस्पताल महाराजगंज के फाइजर खोप केन्द्र अवलोकन कलन। बृहस्पति दिन स्वास्थ्य मंत्री खतिवड़ा सहित अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री लू अमेरिका अनुदान में उपलब्ध कराने कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन फाइजर बायोनटेक खोप केन्द्र के अवलोकन कलन। खोप केन्द्र अवलोकन बाद स्वास्थ्य मंत्री खतिवड़ा कोरोना विरुद्ध के फाइजर बायोनटेक खोप 60,00,000 मात्रा नेपाल आने के समझौता भऽ चुकल बतौलन। ओ फाइजर के खोप आना भुगतानी के लेल सरकार निर्णय कर चुकल से बतौलन। मंत्री खतिवड़ा आब के एक महीना भीतर नेपाल के हरेक भाग में खोप के शुरुआत हैत बतौलन। ओ एखन खोप के अभाव कतौ नहीं रहल बतबैत 24 घंटा काठमांडू उपत्यका के 5 अस्पताल में खोप देल जा रहल बतौलन। खोप आगो हामीले शुरुआत गर्यौं, यो शुरुआतको लागि स्वयं अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री पनि आएर त्यसलाई हाम्रो उत्साह बढाइदिनु भयो। अब हामीले अरू थप फाइजर खोप 60,00,000 हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ, भुक्तानी पनि गर्न क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। अहिले खोपको काहीँ अभाव छैन, तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् खोप लाउन सक्नुहुन्छ। अझ जनतालाई सुविधा होस् भनेर हामीले विभिन्न त्यो बस स्ट्यान्डदेखि लिएर अनेकौँ ठाउँमा अहिले 5 अस्पतालहरू टिचिङ बिर हस्पिटल पाटन सेना पुलिसका अस्पताल 24 घन्टा पहिलो डोज खोप नलागेकालाई पनि दोस्रो डोज लाउनेकोलाई पनि खुला गरेका छौँ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाली सबके कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन सहयोग गर पाउनेमे खुसी व्यक्त कलेने। अमेरिकी सरकार नेपालकै अनुदानमे देने फाइजर खोपके 1,06,020 डोज बितल कार्तिक 8 गते काठमाडौँ आयल छल। खोपके पहिल मात्रा बितल कार्तिक 28 गते सँ दीर्घ रोगीके लगाव सुरु कयल गेल। सुनसरी प्रहरी सीमावर्ती क्षेत्रसँ 180 किलो तैयारी अवस्थाके गाँजा बरामद कयलक। ट्रैक्टरके डालमे पात थपिक बढ़ाओल गेल कैबिन में नुका कर राखल ओहि परिमाण के गांजा प्रहरी देवानगंज से बरामद कलक। पराल लेबा सीमा पारी जाय पड़ल कहित मोटरसाइकिल चालक इजाजत मांगित काल प्रहरी शंका मानित खाली ट्रैक्टर के चेक जांच केने छल। ओहि क्रम में उक्त परिमाण के गांजा बरामद भेल। वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर प्रेम नारायण कड़ेल जलवायु परिवर्तन के प्रकोप के न्यूनीकरण कर क्लीन एनर्जी के उत्पादन बढ़ेबाक बतौलन। बृहस्पति दिन वन तथा वातावरण मंत्रालय आयोजन कने पत्रकार सम्मेलन में सचिव कड़ेल जलवायु परिवर्तन के प्रकोप के न्यूनीकरण कर क्लीन एनर्जी बढ़ेबाक बतौलन। ओ क्लीन एनर्जी जलवायु परिवर्तन के प्रकोप घटात आ हटाव मदद कर कहित आब चूल्हा चौका में विद्युतीय सामग्री प्रयोग करबाक बतौलन। सबै तहमा क्लिन एनर्जीले चाहिँ नि रूपान्तरण गर्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ नि घटाउन हटाउनलाई चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने हाम्रो प्लान छ, त्यो प्रष्टै छ। र त्यो भएपछि हामीले चाहिँ नि चुल्हा चौकामा पनि इलेक्ट्रिसिटी लान्छौँ, इन्डस्ट्रीमा पनि हामीले अहिलेको पद्धतिलाई रूपान्तरण गर्छौँ होइन, त्यसपछि गएर भेहिकललाई चाहिँ नि ई भेहिकलको रूपमा ट्रान्सफर्म गर्छौँ र त्यो सायद यो विज्ञप्तिमा आएको छैन, इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि $19 बिलियन दिने भन्ने प्रतिबद्धता त्यही भएको छ। तिनवटा देशमा चाहिँ नेपाल पनि परेको छ घोषणा। सचिव कडेल जलवायु परिवर्तनको प्रकोपके कम गर प्रविधि या क्लिन एनर्जीको विस्तार गर मेहनत गर परत बतौलन। विज्ञ सब नेपाल में वायु प्रदूषण बढ़त गेल कहित आम नागरिक के सचेत रह आग्रह कलक। जलवायु विज्ञ डॉक्टर धर्मराज उप्रेती नेपाल में वायु प्रदूषण बढ़ल कहित ओहि तरफ सचेत रह आग्रह कलन।
बंगाल के खाड़ी या पश्चिम अरेबियन सागर में उत्पन्न भेल एक किस्म के जलवायु प्रणाली के कारण भारत के किछ शहर सब में भीषण बरसात भेल आ ओहि के असर नेपाल में सेहो पड़ल बतौलनि अछि। डॉक्टर उप्रेती बुध दिन साँझ सँ काठमांडू लगायत देशभर के किछ शहर सब में वायु के गुणस्तर कम होयत बतौलनि। ओ दक्षिण भारत में 215 मिलीमीटर से बेसी वर्षा होब के संभावना रहल आ भारत में देखल गेल प्रदूषण उत्तर तरफ अयला से नेपाल में सेहो असर पड़त बतौलनि अछि। वर्षा त्यो खतरा भन्छ त्यसलाई रेड अलर्ट जारी गरेका छ र त्यसको असर चाहिँ नेपालमा खास गरी यहाँ वर्षा त हुँदैन तर त्यसले एक खालको के सिस्टम ल्याउन सक्छ भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी हिमपात हुने र बाक्लो कुहिरो लाग्ने त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन अब हवाई यातायातदेखि लिएर तराईमा चाहिँ शीतलहर हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि यसले नकाट्दैन त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ। दोस्रो अब चिसो बढ्ने अफकोर्स चिसो बढ्ने नै भयो होइन र सबैभन्दा विकराल रूप यति बेला के ल्याउन सक्छ भनेपछि इन्डियामा अहिले प्रदूषणको मात्रा खतरा तहभन्दा माथि छ र यदि हावाको दिशा यतातिर उत्तरतिर सर्यो भनेपछि जुन चाहिँ अब ठुलो हावा चल्ने भनेर भनेको छ त्यसको कहाँसम्म असर पर्छ वायु प्रदूषण बढ्दै गेलापर देशव्यापी लकडाउन कर जरूरी रहत बतौलनि। डॉक्टर उप्रेती वायु प्रदूषण के कारण श्वास प्रश्वास में समस्या हेबाक बतौलनि अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा उत्पादन संग जोड़ल गेल औद्योगिक विकास में लगानी बढ़ावा पड़त बतौलनि अछि। काठमांडू में भेल फार्मा ट्रैक्टर सार्वजनिकरण कार्यक्रम में मंत्री शर्मा नेपाल में उत्पादन मूलक उद्योग में लगानी के उपयुक्त वातावरण भेल बतबैत विदेशी व्यवसायी के नेपाल में लगानी कर आब आग्रह कयलनि। मंत्री शर्मा भारत में उत्पादन होइत आयल फार्मा ट्रैक्टर उत्पादक कंपनी नेपाले में महत्वपूर्ण योगदान करैत आबि रहल बतौलनि। आब नेपाले में उद्योग लगाब ओ आग्रह कयलनि। त बिजुली पनि हामी तपाईँलाई सस्तो दिन्छौँ। भारतमा अहिले 20 रुपियाँ प्रति युनिट छ, हामी तपाईँलाई 6 रुपियाँमा दिन्छौँ। जग्गा पनि दिन्छौँ, तपाईँ यहाँ आएर यहीँ कारखाना खोल्नुहोस्, त्यसो भयो भने हामी तपाईँहरूलाई घर घर सुविधा पनि दिन्छौँ, आवश्यक पर्छुट पनि दिन्छौँ, यहाँबाट अन्यत्र सप्लाई गर्नुहोस् कृपया, मेरो यो आग्रह छ। त्यसको लागि यहाँहरू आउनुभयो भने अर्थमन्त्री शर्मा नेपालमै कृषिकै आधुनिक प्रविधिसँग जोडित गेलापर उत्पादनमै वृद्धि ह्यात बतौलनि अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी डिजिटल भुगतानी कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्था से मात्र नहीं भक प्रत्येक नागरिक के हाथ से हेबाक बतौलनि अछि। नेपाल क्लियरिंग हाउस बृहस्पति दिन नेशनल पेमेंट स्विच के पहिल चरण के औपचारिक शुरुआत केने कार्यक्रम में बजट गवर्नर अधिकारी प्रत्येक नागरिक के हाथ से डिजिटल कारोबार के शुरुआत हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। गवर्नर अधिकारी आब सब विद्युतीय भुगतानी के उपकरण के प्रयोग कर सहज सुलभ और सुरक्षित बनाब भुगतानी के कार्ड रिटेल पेमेंट QR कोड लगायत विद्युतीय भुगतानी के माध्यम बीच अंतर आबद्धता कायम हेबाक बतौलनि। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति सँग गाँसिएको विषय हो र यो विषयलाई समग्र इकोसिस्टममा सहजता दिनको लागि थप सबल बनाउने सिलसिलामा हामीलाई अलिकति खट्किरहेको विषय यो स्विचको विषय थियो, अर्थात् यो नेसनल पेमेन्ट स्विच नभइराख्दाखेरि अन्तर आबद्धता नहुने र कतिपय अवस्थामा हाम्रा ग्राहकहरू खास त्यो सर्भिस पाउनु पर्नेहरूको। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घकै उपाध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय नेसनल पेमेन्ट स्विचकै पहिल चरण कार्यक्रम नेपालमै डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कारोबारकै प्रविधि मैत्री बनाबत थप सहयोग गरत बतौलनि अछि। त्रिभुवन आर्मी क्लब के सुभाष तामाङ, IPF के प्रदीप महर्जन, प्रकाश दहाल स्मृति दोसर पुरुष तथा महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता अंतर्गत पुरुष 51 kg स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कलक। नेपाल बॉक्सिंग संघ के आयोजना तथा प्रकाश दहाल स्मृति प्रतिष्ठान के सहकार्य में भरल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में सुभाष उदयपुर के नारायण भुजेल तथा प्रदीप रुकुम के जीवन कुमार पुन के पराजित करत अंतिम भिड़ंत में पक्का कलने। पुरुष 54 kg आर्मी प्रेम चौधरी, सुदीप श्रेष्ठ वॉकओवर पबैत फाइनल में प्रवेश कयलनि। फाइनल में हुनकर सेट पुरुष 57 kg APF के पूरन राय, H2O के बुद्ध लामा के तथा बक्समांडू के सूरज महर्जन, कंचनपुर के रंजन भट्ट के हरबैत फाइनल में स्थान बनौलक। महिला 48 kg में नक्साल के सुषमा तामांग, रमीसा श्रेष्ठ आ H2O के अस्मिता दुवाल, APF के सवित्रा तामांग के हरौलक। नेपाली खेलकूद के मेरुदंड कहल जाय वाला शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग के नया संस्करण काल्हि सँ शुरू भ रहल अछि। किछु क्लब राष्ट्रीय टोली के खिलाड़ी के समावेश करैत उपाधि लक्ष्य बनौने अछि त किछु टोली युवा खिलाड़ी के भर में
यी स्पर्धा जितकै तयारी मेच शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगकै नयाँ संस्करण काल्हिसँग सुरु हात दिनकै पहिल खेल काल्हि सिजनमे बढुवा भेल सादो बाटो युथ क्लब फ्रेन्ड्स क्लबसँग खेलत त नयाँ सिजनकै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आरम्भ भए रहल अछि अन्तिमै हेडलाइन्स एकबेर फेर छ धनुषाकै विदेह नगरपालिकामे ट्र्याक्टर दुर्घटना दू गोटे एक जान गेल 18 घायल धनुषामे नेपाली कांग्रेसक किछु वार्ड अधिवेशनमे विवाद धांधली भेल कहैत नेता सब रिले अनशन पर सिरहा धनुषा जोड़वला कमला नदीमे स्नान आ भूत मेलाक तैयारी भक्तजन एबाक क्रम तीव्र पछिला 24 घंटा में देश में और 6 कोरोना संक्रमित के जान गेल 299 गोटे में संक्रमण आ शहीद स्मारक ए डिविजन लीग के नया संस्करण शुक्र से शुरू है बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा अपन टेलीविजन देखित रही नमस्कार।